नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे IDBI बैंक में 500 के आसपास वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट मैनेजर की, तो उसकी लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2019। तो उस वैकेंसी को आप कैसे क्या फिल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या पेपर हुआ, क्या सिलेबस है, कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो भी छोटी छोटी डिटेल है सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो जब भी कोई नई अपडेट आती है जॉब के रिगार्डिंग, कोई नई जॉब की वैकेंसीज आती है, सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पे मिलती है। और जैसे इसका नोटिफिकेशन का, आप जैसे एडमिट कार्ड आएंगे, रिजल्ट आएंगे, तो कंप्लीट अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हैं ये IDBI बैंक है, ये गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बैंक है, क्योंकि इसका 51% शेयर जो है उसको LIC के पास है, और LIC मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो इसमें देखें तो ये सेमी गवर्नमेंट हो गई, तो ये गवर्नमेंट बैंक है एक तरह से। और आप देखें इसकी लास्ट डेट कितनी है, तो 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, 15 अप्रैल 2019 इसकी लास्ट डेट है, जब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकली है, तो अभी इसमें देखते हैं क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें। और आपकी इसमें एज होनी चाहिए 21 से 28 साल, फर्स्ट थिंग तो ये है। और टोटल वैकेंसीज 500 है। हैश का मतलब है कि ये वैकेंसी इंक्रीज़ कर सकती है या डिक्रीज़ कर सकती है, तो मोस्ट केसेस में इंक्रीज़ ही होती है। तो 500 वैकेंसीज है एज ऑफ नाउ। और आपकी जो एज काउंट होगी 1 मार्च 2019 से काउंट होगी। और ये आपकी जो एक इसमें ग्रेजुएशन होना इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरी है, उसमें भी मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST या फिर कोई मतलब PWD में आते हैं तो आपके 50% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 17 मई 2019। तो ये स्टार का मतलब है कि ये वेरी कर सकता है, इसमें थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल वैकेंसी 500 है, और जनरल की 2 228, 75 SC की और OBC की 135 है, इस हिसाब से ये वैकेंसीज हैं। तो टोटल 500 वैकेंसीज है। तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 28 साल, और ग्रेजुएशन आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। और आप देखें तो इसकी जो कट ऑफ है 1 मार्च 2019 से काउंट होगी जो भी इसमें है। और इसमें आपको इंडियन सिटीजन और ये क्वालिफिकेशन है नेपाल सिटीजन, ये सब होना ज़रूरी है। और इसमें देखिए तो आपको 60% का जो क्राइटेरिया था स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो उसमें फिर से बताया इन्होंने, और 55% SC ST और PWD के लिए। और इसमें देखेंगे जो आपके जो काउंट होंगे, जैसे 59.99 है तो वो 60 से लेस काउंट होंगे, तो आपको 2 डेसिमल तक आपकी परसेंटेज लिखनी है, कंप्लीट परसेंटेज लिखनी है 2 डेसिमल पॉइंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी आप फॉर्म फिल करें। तो और इसमें देखें जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से हुआ, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है एक तरह से, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC ST और OBC के लिए 3 ईयर्स का, जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और आपकी एज लिमिट होगी 21 से 28 साल, जो आपको पहले ही बता रखी है मैंने। तो आप देखें तो इसमें आपकी फ़ीस कितनी होगी, तो फ़ीस होगी आपके 700 रुपीज़, और उसमें जो सारे चार्जेस हैं वो सारे इंक्लूड हो गए। और SC ST और PWD के लिए 150 रुपये चार्ज होंगे इसका। और अभी आप देखें तो इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो आप इसमें जाएंगे ऑफिशियल इसकी जो IDBI की वेबसाइट है उसको अभी मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। तो उसमें कैरियर वाला ऑप्शन्स होगा, टैब होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2019 उस पर आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करके उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप जैसे IBPS का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उस तरह से आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। और उसमें आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, और उस तरह से आपको email ID और SMS के थ्रू आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, वो कन्वे किया जाएगा। तो जैसे कोई भी आप फॉर्म भरते हैं उस तरह से आप फिल कर सकते हैं। ये IDBI की ऑफिशियल बैंक की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देखें तो इसमें जैसे ये देखें रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर, ये अभी लिंक इसका एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी 1-2 दिन में इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है, अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर आप जाके अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं। अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं अभी बता नहीं पाऊंगा आपको। तो आप जब भी होगा यहाँ पर लिंक अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा, तो आपको यहीं पर जाके अप्लाई करना है। तो आप देखें तो इसका क्या कुछ मतलब एग्ज़ाम की डेट कब है, तो 17/5/2019 आपकी ऑनलाइन टेस्ट की डेट है। तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, क्योंकि ये बैंक के पेपर्स होते हैं वो जो शेड्यूल टाइम होता है उसी पे होता है। और अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ तो इसके लिए इसमें डेट्स में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं लास्ट डेट में और मतलब अप्लाई वाली लिंक डेट में, बट एग्ज़ाम की डेट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर कैसा होगा आपका, कैसे क्या पेपर आने वाला है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं बता देता हूँ। तो रीजनिंग और
मतलब डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे 40 और 40 मार्क्स के होंगे। जैसे कोई आईबीपीएस का पेपर देते हैं उसी तरह से इसका पेपर होगा, आईबीपीएस पैटर्न पे होगा मोस्टली। और ये मैथ्स के होंगे 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के होंगे, और जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 60 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरह से है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1.25, तो मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो आपके ये 4 सेक्शंस होंगे, और सेक्शन वाइज इसमें कट ऑफ भी जाती है, आपको जैसे पता है इसके बारे में। और फिर इसमें जैसे 2 स्टेज होंगे, एक तो ये फर्स्ट स्टेज, और उसके बाद में जो इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पे ओवरऑल आपका सिलेक्शन होगा कि आप इसमें सेलेक्टेड हैं कि नहीं है। तो इसमें देखें तो आपके मतलब सेंटर्स भी कौन कौन से स्टेट्स में कहाँ कहाँ दिए गए हैं उसका पूरा कंप्लीट इन्होंने लिस्ट लास्ट में दे रखी है, या नेक्स्ट फर्स्ट है, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और उसमें आपका सेंटर वहाँ पे नियर बाय कौन सा सेंटर है, उसी हिसाब से आप अपने सेंटर प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसको मैं कंप्लीट बताऊंगा नहीं, आप उसको पीडीएफ का मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस पेपर, और इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद में कुछ चीज़ जो मिस हो गई हो, आपको कोई डाउट हो, कुछ फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नई अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं इसमें अपडेट करूँगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।